आप एक छोटी सी चीजों को काट के वायरल करके और आप मुझे नीचा गिरा दोगे उससे, आपको लगता है कि आप मुझे नीचा गिरा दोगे? तो अच्छी बात है। नमस्कार प्रणाम। मैं सुबह लाइव आया था, फिर आ गया, सिर्फ एक बात बताने के लिए आया मैं कि अभी तक तो मुझे सिर्फ हमारी जनता मुझे मोहब्बत करती थी और मुझे जनता अपने बेटे की तरह मानती थी, मानती है, मानती रहेगी। लेकिन एक न्यूज वायरल हुआ है ना, जिसमें गलती हुई है मेरे से थोड़ी सी। गलती से बोलना क्या था, और हाउसपोच में हो जाता है, आदमी जब बोलता है तो कुछ बुला जाता है और वो आदमी जानबूझ के नहीं करता है, हो जाता है। लेकिन उस न्यूज़ को लेके इंडस्ट्री के लोग मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं, कुछ हीरोइनें भी हैं टॉप की, कुछ भाई स्टार भी हैं टॉप के, अपने हिसाब से वो टॉप के हैं, और हीरोइनें भी वो अपने हिसाब से टॉप पे ही। लेकिन लोगों के नज़र में टॉप बनना, अपने काम से अगर कोई मुझे जवाब नहीं दे पाता है ना, तो उनको लगता है कि खेसारी को विवाद में फंसाया जाए और रिलेशन को ख़त्म, खेसारी के रिलेशन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं उस इंडस्ट्री के लोगों से, कुछ लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे रिलेशन मैं चाहता हूँ तभी ख़त्म होता है, वो मेरे ऊपर होता है कि मैं किससे रिलेशन रखता हूँ, किससे रिलेशन नहीं रखता। मेरे रिलेशन किसी से ख़राब नहीं होते, और जो आप लोग भी हैं, आपसे भी मेरा रिलेशन ख़राब नहीं है, लेकिन आपको मज़ा बहुत आ रहा है। आप फ़ोन कर कर के आप भाई बधाई दे रहे हो कि भाई आप लोग भाग गए, भाग गए, अच्छी बात है, मिलिए बात है, खूब मज़ा लीजिए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी उनको कुछ बोलता हूँ, वो भी मुझे बोलेंगे, बट वो गलती से चीज़ें हो गई है, तो उसको मैं उस इंडस्ट्री के अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा आप समझ ही रहे होंगे, कुछ जंतु जो हैं, जो बड़े सम्मानित हैं, अपने नज़र में स्टार भी हैं। अच्छा है, जवाब देना है ना, तो खेसारी को काम से जवाब दिया करो आप सब, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो। मैं सबकी बातें कर रहा हूँ जिनको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तकलीफ में कैसे बुला गया, मैं उस बात से अफसोस में हूँ, लेकिन उस अफसोस को आप लोग मजाक के पात्र बना रहे हो अपने इंडस्ट्री में ही। तो मैं उन प्रोड्यूसरों से भी बोलना चाहता हूँ, कुछ जो मजाक के पात्र बना रहे हैं उसको, कि मैं किसी को नज़र में बसाता नहीं हूँ, नज़र से उतार देता हूँ, क्योंकि मैं आज तक गलत किया नहीं किसी के। कितने लोग मेरे पैसे लेकर, कितने प्रोड्यूसर भाग गए, तो मैं आज तक किसी प्रोड्यूसर के बारे में बोला ही नहीं। कितने प्रोड्यूसर होंगे, गिनाना चलो तो आपको भी पता है, जो मजा ले रहे हैं उनको भी पता है, बट मैं तकलीफ में पहली बार आया हूँ कि हाँ हो सकता है, मैंने माफ़ी भी मांगा उसके लिए। तो उस हीरोइनों से भी बोलना चाहता हूँ जो टॉप की बोलती हैं, प्लीज मुझे उसकाओ मत आप सब, मैं बोलता नहीं हूँ आप सबको, आप लोग सम्मानित हो, ईश्वर करे आप आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। मैं किसी का मजाक के पात्र नहीं बनाता, लेकिन आपको अगर जवाब ही देना है ना खेसारी को, काम से दो यार, लोगों के दिल में बस दो, लोगों का मदद करके दो, जिस तरह मैं मदद दुनिया का करता हूँ। आप एक छोटी सी चीज़ों को काट के वायरल करके और आप मुझे नीचा गिरा दोगे उससे, आपको लगता है कि आप मुझे नीचा गिरा दोगे? तो अच्छी बात है, गिरा दो मुझे, जाको राखे साया मार सके ना कोई। इस धरती पे गिराने और उठाने का काम हमारी जनता का है, और हमारी जनता जो है हमारे लिए भगवान है, तो जाको राखे साया मार सके ना कोई। हमें गिराने के लिए ना बहुत लोग आए और खुद ही गिरते हुए चले गए। करना है ना तो खुद पे वर्क करो, खुद को बड़ा करने की कोशिश करो।
किसी को नीचे गिराने में जितना वक्त लगाओगे मेरे भाई, उतना खुद के लिए अगर मेहनत कर लोगे तो आप अपने जीवन में कुछ कर जाओगे। जवाब देना है ना, फोन कर कर के आप लोग जो मजा ले रहे हो उनसे, मेरे बड़े भैया भैया के पास फोन करके, जो जो लोग मजा लेना चाहते हैं और जो ले रहे हैं, अच्छी बात, अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है मुझे। तो क्या हो जाएगा उससे, आपके बोल देने से कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। तो जिस वीडियो में मैंने बोला है कि हाँ ऐसी बातें, वो गलती से जो बुला गया है, उसके बाद में मैंने फिर एक वीडियो बनाया है कि नहीं वो गलत हुआ है मेरे से, और वो कैसे बुला गया, मेरा बोलने का मोटो वो नहीं था, बोलना कुछ और था, बुला कुछ और गया। होता है आदमी जब बोलते लगता है तो, और हौच पौच होता है तो हो जाता है। मुझे माफ़ी मांगने में शर्म नहीं आती है, इसलिए कि मैं अपने बुजुर्गों से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाइयों से मांग रहा हूँ, मैं अपनी जनता से माफ़ी मांग रहा हूँ। शायद आपको शर्म आती होगी लेकिन आपको मज़ा आ रहा है, जिस जनता ने बनाया है उसी जनता के बीच में। जनता को मज़ा नहीं आ रहा है उस वर्ड से, इंडस्ट्री के लोगों को आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या इंडस्ट्री है यार अपनी, मज़ा आ गया। मुझे इस बात से बड़ा मज़ा आया कि मेरे इंडस्ट्री में मुझे इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि अपना काम छोड़कर और मेरे न्यूज़ पे इतना फोकस करते हैं, मेरे हर न्यूज़ को देखते हैं। आज तो आप लोगों ने मेरे दिल में इतना जगह बना लिया कि शायद मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरी इंडस्ट्री मुझे, इंडस्ट्री के कुछ लोग, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है मेरी लेकिन कुछ लोग, कुछ हीरो हैं, कुछ एक्ट्रेस हैं, उन्हीं की बातें कर रहा हूँ मैं, वो इतना प्यार करते हैं मुझे, मेरे हर न्यूज को देखते हैं। उफ, सही बात है यार, बड़ा मज़ा आया मुझे इस बात को जान के कि आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के, पहले तो जनता का ही प्यार मिलता था, अब तो इंडस्ट्री से भी मुझे प्यार मिलने लगा, मेरे हर बातों पर फोकस इंडस्ट्री भी कर रही है, वो अच्छी बात ही नहीं है। प्लीज करना है ना तो काम से जवाब दीजिए हमें, काम से मेहनत करके मुझे पीछे कर दो, जुबान से मैं पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जुबान मेरे लिए बहुत कैंची की तरह चली और अपने आप वो नीचे आते गए और मैं डे बाय डे बढ़ते गया, क्योंकि मेरे पीछे जनता है मेरी, मेरी जनता जो भगवान स्वरूपी जनता है, क्योंकि मैं जनता के हित के लिए हमेशा काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की, और मैं काम पर फोकस करता हूँ। और ये जो लोग मजा ले रहे हैं ना, ये उनको भी पता है, इसलिए बस रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा ही मजा लेते रहिए आप, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आप मजा लेने लगे हैं इंडस्ट्री के साथ। लव यू ऑल, जिनको जिनको उस बातों से मज़ा आ रहा है उनके लिए दिल से शुभकामना है। नए साल में आप सिर्फ मज़ा ही लीजिए, उससे आगे ईश्वर आपको कुछ ना दे, मज़ा के अलावा आपको कुछ देना, और सिर्फ खेसारी के बातों से, खेसारी के इंटरव्यू से, खेसारी के, खेसारी क्या कर रहा है, उस सब चीज़ों से मज़ा लीजिए, अच्छा लग रहा है। लव यू ऑल, मुझे मेरे जनता से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों से ले मुझे कुछ बात करनी थी, कि सबसे तो बात कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि उतना वक्त ही नहीं है और शायद उनके पास भी उतना वक्त नहीं है, सब लोग बिजी हैं। तो लोग अपने काम करते वर्क टाइम में से भी निकाल के और उस चीज़ को मज़ा ले रहे हैं, ये बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे कि वर्क टाइम से भी काम निकाल के और फ़ोन करने का और मैसेज करने का टाइम मिल जाता है कि वाह वाह आप लोग भाग गए। लव यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपके कहने से मेरे रिलेशन बाबे सिन्हा से ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे, काम करना अलग जगह पे, ना मेरे साथ वो काम करेंगे तो उनकी तख्ता बड़ी हो जाएगी, ना मैं उनके साथ करूँगा तो बड़ी हो जाएगी, काम करना अलग मैटर में, वो मेरे साथ काम करें ना करें, मैं उनके साथ काम करूँ या ना करूँ वो मायने नहीं रखता, हम दोनों भाइयों का रिलेशन कितना बड़ा है ये मायने रखता है, क्योंकि मैं रिलेशन पे चलता हूं। तो इसलिए आपके मजा लेने से हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे, हमें अपने बुजुर्गों के सामने जाकर झुकने में मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूं उन बुजुर्गों के सामने मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए
और इस पूरी दुनिया जानती है कि मैं किस हीरोइन और किस हीरो लोगों की बातें कर रहा हूँ। प्लीज अब ये दुनिया ही जवाब देगी, ये दुनिया पूरी दुनिया जवाब दे देगी, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जनता भी जवाब दे देती है। इसलिए और मेरी जनता जवाब देती है तो आपको भी पता है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जवाब इनका दीजिए, लेकिन सलीमता के साथ दीजिए, आदर के साथ जवाब इनका दीजिए कि इनको बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे बातों से। मुझे आज तकलीफ़ दिया इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरे विचारधारा वैसे नहीं है जिस विचार से मैंने वो बातें बोल दी, वो निकल गया। कैसे निकला? बल्ला कुछ चाहता था निकल, मज़ा लेने लगे। छी, कितने घटिया हो यार आप सब, इतनी घटिया तरीके के इंसान हो आप सब, जो फ़ोन कर कर के आप और अभय जी को या निशांत भाई को आप बोल रहे हो और मैसेज कर कर के, इतना घटिया, इतने नीचे गिर जाओगे यार आप लोग। मैंने कभी किसी के लिए मज़ा नहीं लिया यार, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ और मैं अपना काम फोकस जो भी होता है अपने काम के लिए फोकस होती है मेरी। देगी ये जवाब दुनिया, ईश्वर भी देगा। मज़ा आ रहा है ना, कितना मज़ा आ रहा है हीरोइन साहिबा को, हीरो साहिबा को, प्रोड्यूसर भाई लोगों को, डायरेक्टर भाई लोगों को। वाह, खुश रहे जीवन आपकी। मेरी दुआएं हैं कि आप दिन रात चौगुनी बढ़ें, बट ऐसे करके ना, मेहनत करके बढ़िए। किसी को नीचा दिखाकर, किसी के लकीर को मिटाकर अपना लकीर बड़ा मत दिखाइए। अपना लकीर इतना बड़ा कर दिए कि उसका लकीर अपने आप छोटा हो जाता है। और मैं इसी बेस पे काम करता हूँ, मैं अपने लकीर को बड़ा करता हूँ, किसी के लकीर को मिटाने की कोशिश मेरी आज तक नहीं रही। इसे सुधर जा लो, नहीं तो तू लोग जाना तरह जब हम बिगड़ब तो का हुई, कतना लोग के का हुई, यो तू जानता रह लो। हम धमकी नहीं की देत, बात कहा नहीं कि फोन कल बंद कर लो, पूछल बंद कर लो, मजा मत लो भैया। लव यू ऑल, खुश रहिए आप सब, जीवन में खूब तरक्की करिए, मेरी दुआएं हैं। बट किसी को नीचा दिखा के नहीं, नीचा गिरा के नहीं, खुद को बड़ा करिए, सम्मान के साथ लोगों के साथ बड़े होइए। ये मेरी आपसे एक सलाह है कि आप या तो सुधर जाइए और ये मज़ा लेना छोड़ दीजिए। जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो मज़ा ले रही हैं, ले रहे हैं, उनके लिए ये सदे है, और जो प्रोड्यूसर हैं और जो डायरेक्टर हैं, ये उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे जनता से कोई शिकायत नहीं, जनता तो मेरे लिए ईश्वर है, मेरी भगवान है, मेरी माँ है, मेरा बाप है। तो आप उनकी नज़र से मुझे कैसे गिराओगे? आप एक प्रोड्यूसर के नज़र से मुझे गिरा सकते हो आप? तो उस प्रोड्यूसर के पास 1000 हीरो हैं और इस हीरो के पास 1000 प्रोड्यूसर हैं, तो ना वो गिर सकते हैं ना मैं गिर सकता हूं। हम दोनों के काम चलते रहेंगे, लेकिन आप मेरे नजर से गिर जाओगे। और आजीवन गिर गए, क्योंकि वो मजा लेने वाली बातें नहीं थी, वो गलत हुआ था। और वो तकलीफ मुझे भी है कि मुझे मेरे जुबान से वो कैसे निकल गया, बोलना कुछ और था, निकल कुछ और गया। प्लीज मत करो यार ऐसे, आप सबको शोभा नहीं देता है। आप अपना अपना शूटिंग छोड़कर मैसेज पे ध्यान दिए हो, शूटिंग छोड़कर आप फोन पे ध्यान दिए हो, शूटिंग पे ध्यान दो, वक्त पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, मज़ा मत लो। नहीं तो मेरा मज़ा तो कितना महंगा पड़ता है आप सबको भी पता है, क्योंकि मैं मज़ा नहीं लेता, मेरे तरफ से मेरी जनता मज़ा लेती है। और जब भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जिस तरह जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और कितने लोगों को आवाज़ बंद करने का काम हमारी जनता करती है, मैं कहाँ बोलता हूँ। और ये बोलेंगे कौन कौन है मज़ा लेने वाले, सबको ये जान चुके होंगे, ये जनता जान चुकी होगी, और उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपने मज़ा लेना जो शुरू किया है ना, ओके गुड, आई लाइक इट, लव यू ऑल, थैंक्स। जितने भी जनता है सबको लव यू, प्रणाम दिल से। खुश रहिए नए साल में, हैप्पी रहिए, बाय।